عشناها بنودعك بدموع العين. ऑलरेडी वेलकम बैक वंस अगेन. बड़ा मज़ा आ रहा है. मैं बहुत से सवाल कर रही हूँ. सईद अख्तर साहब हैं मेरे साथ, पाकिस्तान के वेल नोन आर्टिस्ट हैं. उनके साथ उन्हीं के शागिर्द आर एम नईम. लेकिन आर एम नईम का तारुफ ये है कि इनके भी बहुत से अब शागिर्द हैं और बहुत मशहूर शागिर्द हैं जिनसे सीखते हैं. और आर एम नईम जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी बहुत काम किया है. अपनी जो एग्जीबिशन हैं, अपनी पेंटिंग्स हैं, वो बाहर एग्जिबिट की हैं. सर ब्रेक पर जाने से पहले सर आपसे बात हो रही थी, आप अपने मिजाज के बारे में कुछ बता रहे थे. हाँ, मैं मिजाज में मैं हमेशा तेज़ रहा. ठीक है. बहुत सख्ती थी लेकिन उसका मैं जब उस्ताद बना हाँ. तो उसमें वो सख्ती सिर्फ इस हद तक थी कि मैं बच्चों को गाइड करता था कि ये गलत है और ये सही है. और मैंने ये भी सर सुना, मैं आपकी फिर बात काट रही हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते थे ना सर के, अगर किसी ने थोड़ी सी भी गलती की थी होती थी स्कल्पचर बनता था, सर आते थे और तोड़ के गिरा देते थे. वो इसलिए बड़ा एक छोटी साइकोलॉजिकल होता था कि स्कल्पचर एक ऐसी चीज है मिट्टी से बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं और कहा के बेटे अभी कुछ और करो. तो सर ये हो गया. अच्छा, हो गया. तो ये जब वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता मैं उठा के उसको नीचे गिरा देते. उनके एक्सप्रेशन कैसे होते थे? गलती से मुझसे हो गया, अब तुम एक और नई चीज बनाओ. अच्छा, जब ये जो नहीं बैठे मुस्कुरा रहे, कभी इनके भी आपने तोड़े से कल्चर? टीचर का काम जो है उसको डिस्करेज करना नहीं, उसको और सिखाना, आगे लेके जाना. अब कौन आगे जाता है ये बड़ा मुश्किल होता है और उसके साथ हमने काम करना पड़ा. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आए और उन्होंने काम किया और चले गए. ये क्या हुआ? नहीं मैं पहले इनके बारे में बताइए. अच्छा, ये कैसे स्टूडेंट थे? नहीं ये तो ठीक है. आपने कितने कल्चर छोड़े कि आज ये आर्य नहीं बने? मतलब ये है कि मुझे वो बच्चे याद आते हैं जो कि कुछ नहीं करते थे और थोड़ी देर में कुछ काम करके ऐसे करके और चले जाते थे. मैं उनको वापस बुलाता था. मैं कहा अगर अब ये इस पर तुम पास नहीं हो सकते, अब फिर तुम्हें इल्जाम लगाओ कि सईद अख्तर ने फेल कर दिया और सख्त है. हालांकि तुम्हारी सबसे बड़ी जो है वो ये है. मैं उठा के उसको फेंक देता था. उसको शौक देना, असल में उसको एक शौक देना होता था कि कहाँ पर उसको आगे बढ़ना है. बिल्कुल, क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं तो उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो उसका तरीका यही है कि उसको हटा दिया जाए. बिल्कुल, फिर दोबारा शुरू किया जाए और वो फिर कामयाब होते थे. और तो ये देखे ना, आपके कामयाब शागिर्द माशाल्लाह बैठे हैं. आपने इनके भी स्कल्पचर्स तोड़े, आपके भी टूटे थे स्कल्पचर्स? इसी तरह होता सब बच्चों के साथ. ये ऐसे कई बच्चे देखो, तीन स्टेजेस होती हैं. एक वो जिनको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, वो करते चले जा रहे हैं. एक वो है जो कोई बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, उनको जो मर्जी करें. ये मैं सारे मेकअप 30-35 साल की जो मेरी टीचिंग थी उसमें तीन ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैंने अपने पूरी तरीके से वो गुर जो है उनको सिखाने की कोशिश की, वो लेकिन नहीं सीखे. लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको जरा सी पुश की जरूरत होती है और वो बहुत आगे जाए. तो हम उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिनको जरा सी थोड़ी सी पुश की जरूरत होती है. ये सही सब पता है. जिस तरह हमने भी बड़ा आने से पहले सुना था सर के बारे में, फर्स्ट ईयर में आए कि पता नहीं क्या कोई जल्लाद सिफ्त इंसान है. ऑनेस्टली मतलब उनके बारे में जिस तरह आप मेरे ख्याल से पिक्चर गलत पोर्ट्रे की. मेरी इनकी दोस्ती उस वक्त से, लोग डरते थे, मैं इनसे मजाक भी किया करता था उस वक्त पढ़ते थे तो मुझे लोग कहते थे डरते नहीं हो तुम. मैंने कहा क्यों डरूं मैं? मतलब देखिए, एक शागिर्द का बुनियादी हक है कि वो उस्ताद से सवाल करे, अपने बड़ों से सवाल करे. सवाल गलत हो सकता है, उस्ताद के जवाब की फिक्र होनी चाहिए. उस्ताद को उसकी फिक्र होनी चाहिए कि उसका जवाब गलत ना हो, क्योंकि हम तो सवाल करने वाले, हम तो जो मर्जी सवाल कर लें. तो इन लोगों ने हमेशा मतलब मुतमईन किया और हमारे ऐसे स्टुपिड किस्म के क्वेश्चंस मतलब हम लेके जाया करते थे लेकिन, और बाज़ूकत बड़े घबराए हुए और परेशान. तो वो कमाल उस वक्त होता था कि आपको संभालना किस तरह है, उस सिचुएशन से निकालना किस तरह है. तो मेरे ख्याल है वो उस्ताद जो उस्ताद कहलाने के हकदार हैं बखूबी जानते हैं इस काम. बिल्कुल जी. अच्छा नहीं, आप ब्रेक पर हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे, माशाल्लाह आपका एक बेटा है अब, और अब आप मुझे कह रहे थे कि वो बनना चाहता है क्या, और आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं जी चाहता हूँ कि उसको, उसके माँ बाप जो करते हैं, मेरी वाइफ भी पेंटर हैं सदर, मैं चाहता हूँ कि उसको वो एक रिस्पेक्ट रहे. ठीक है, इसलिए मैं मतलब उसके अंदर एक आर्ट तो बाय बर्थ एक है, एक चीज़ उसके अंदर. उसको एनवायरनमेंट जिस तरह की मिली है, मुझे लगता है, मैं स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि उनको सिखाने के बजाय एनवायरनमेंट अगर किसी चीज़ की दी जाए तो एनवायरनमेंट एक ग्रेट लर्निंग इटसेल्फ. तो वो आर्टिस्ट मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं बनाना चाहता. ठीक है, आप सिंगर का? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ख्वाहिश है मेरी कि खुशबिलू हो, उसकी आवाज़ अच्छी हो. आप किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं? मैं जी हर तरह का अच्छा म्यूजिक सुनता हूँ. अच्छा म्यूजिक किस तरह होता है, किस तरह डिफाइन? अच्छा म्यूजिक डिफरेंट फेजेस में जो आपको उन फेजेस के साथ जस्टिफाई करे, उन फेजेस को और म्यूजिक के साथ भी जस्टिफाई करे. मतलब कोई फेवरेट सिंगर हो आपका?
जो पेंटिंग करते हुए आप सुने और आपकी पेंटिंग बहुत ऑल टाइम फेवरेट? बहुत सारे लाइक रफ़ी हैं, जिस तरह मेहदी हसन साहब हैं, नो डाउट, मतलब मैं फ़खर से कह सकता हूँ कि मैंने सुना है मेहदी साहब को, तो इस तरह बहुत सारे नए लोग हैं बहुत अच्छे से गा रहे हैं। और सर आपकी क्या पसंद है? मेरी पसंद जो है वो सिर्फ दूर से आवाज़ आ रही हो, ठीक है, तो मैं सुनता रहता हूँ। सर को वैसे सुनाई देता है, मैं एंजॉय, अब मैं काम भी करता चला जाता। अच्छा, लेकिन मैं जैसे अभी माहौल की बात कह रहे थे, तो मेरे बच्चे चार हैं माशाल्लाह। और आर्टिस्ट हैं? बड़ा बेटा जो है वो एयरफोर्स में जाना चाहता, नहीं जा सका, तो वो आर्किटेक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन उसने ड्राइंग उससे ही शुरू की, और मैंने कहा तो मैं ड्राइंग करनी है क्योंकि ये तुम्हारा आगे करना। उसने पहले चार दो महीनों में कोई रिस्पांस नहीं था उसका, मेरा बेटा होने के बावजूद, ठीक है, लेकिन दो महीनों के बाद उसका ये एकदम चेंज आया, और वो ये है कि वो कामयाब रहा और अब तक वो बहुत के बाद आर्किटेक्ट बना और फिर वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग मार्केट से करके आया। उमर उसके बाद मेरी बेटी है वो भी आर्टिस्ट, फायका, उस वो यहाँ करियर में पढ़ रही थी, तो कहने लगी अबू मैंने फाइनल कर। ये स्टोरी मैं सुनूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्या करूँ, फिर से आ गई ये ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। بن ودعك بدون ما إلهي